नमस्कार चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सरकार द्वारा चलाई गई योजना पर चर्चा करते हैं आज हम रोहतक के गांव सुनहरिया कला में हैं आइए जायजा लेते हैं गांव का आज हम बात करेंगे सोयल हेल्थ कार्ड के बारे में हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ के मौजूद हैं डॉक्टर मीनाक्षी सांगवान डॉक्टर बीपी राणा डॉक्टर जगत सिंह जी पहले हम बात करेंगे सोयल हेल्थ कार्ड के बारे में डॉक्टर मीनाक्षी सांगवान जी से कि इस ये जो योजना है सोयल हेल्थ कार्ड है क्या देखिए सोयल हेल्थ कार्ड इसमें अपने आप में ही इसका जो अर्थ है वो छिपा हुआ है सोयल मीन्स मृदा हेल्थ में मतलब स्वास्थ्य कार्ड मतलब उसका ब्यौरा किसी भी चीज़ का तो ये सोयल हेल्थ कार्ड मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसके अंदर एक किसान के खेत की मिट्टी का ब्यौरा होता है कि भाई उस मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है वो अच्छी है वो बुरी है उसके स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारी दी गई होती है मैम जो सोयल हेल्थ कार्ड है दो में आया था अब दो चल रहा है तीन साल के अंदर सोयल हेल्थ कार्ड के अंदर कितना बदलाव आया देखिए क्योंकि ये स्कीम सरकार ने 2015 से चलाई थी इसको अब तीन साल हो चुके हैं स्कीम को चले तो पीछे आंकड़ा भी दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि कितने सोयल हेल्थ कार्ड बढ़ चुके हैं तो उसी तरह से हर गांव में हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में सोयल हेल्थ कार्ड की जो पब्लिसिटी है जो उसके बारे में फार्मर्स ने सोयल हेल्थ कार्ड है वो काफ़ी फार्मर्स ने लिया हुआ है सब फार्मर्स काफ़ी जागरूक हैं इसके लिए क्योंकि ये उनके फ़ायदे के लिए स्कीम है ये इसी भी ज़रूरी है और इसका जो यूज़ है जो सोयल हेल्थ कार्ड का यूज़ बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो हमारी मृदा है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है फार्मर के सामने प्रत्येक दिन दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को कि भाई क्या है उसकी मिट्टी में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उसको उसके जो प्रोडक्शन है पैदावार है जो उस हाँ। और और तो 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 मिट्टी की जांच होती है हाँ वो किस प्रकार से की जाती है उसमें कितने पोषक तत्व होते हैं ओके देखिए इसमें सबसे पहले तो सैंपल कैसे लिया जाता है नमूना खेत से कैसे ले किसान ये बात आती है उसके बाद इसमें हम जो लैब में पोषक तत्व चेक करते हैं उसमें आपके दो तरह के होते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स और मैक्रो न्यूट्रियन्ट्स माइक्रो न्यूट्रियट्स में आपके नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है फिर माइक्रो न्यूट्रियट्स जैसे कि हमारे अगर हरियाणा की बात करें तो अब आयरन और जिंक की काफ़ी कमी आ रही है तो ये भी हम अब उसमें चेक करते हैं तो ये पोषक तत्व मेनली हम चेक कर रहे हैं उसमें इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स हैं जो इसमें हम चेक करते हैं सोयल हेल्थ कार्ड में दिए होते हैं ऑर्गेनिक कार्बन फिर इसमें पी चेक करते हैं कितनी पी है उससे हमें पता लगता है कि हमारी भूमि है वो शार्य है या नहीं है उसका हमें पता लगता है उसके बाद इसमें हम ई भी चेक करते हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है कितना नमक है हमारी मिट्टी में उसका हमें पता लगता है इससे हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं जिन्होंने मिट्टी की जांच कराई है और किस तरीके से उन्होंने मिट्टी की जांच करा के इस आ, कार्ड को बनवा के कितना लाभ लिया है आइए जानते हैं जिस चीज की कमी नहीं थी बहुत से किसान या पहले हम भी सोल हेल्थ कार्ड बनवाने से पहले हम भी जैसे यूरिया ज़्यादा दे रहे थे या डीएपी ज़्यादा दे रहे थे कुछ भी ज़्यादा दे रहे थे जिस चीज़ की नहीं ज़रूरत थी उसको भी ज़्यादा दे रहे थे लेकिन अब सोहेल हेल्थ कार्ड बनवाने के बाद हमारे को ये पता चला कि हमारी जमीन के अंदर किस चीज़ की कमी है हमारे को अब यह पता चल गया जिस चीज़ की कमी हम उसी को ही देंगे उससे हमारा खर्च भी बचेगा और आय भी बढ़ेगी तो जैसे कि आपने मिट्टी की जांच कराई हाँ। जांच कराने के बाद जब आपकी रिपोर्ट आई तो उसमें रिपोर्ट में क्या आया कि कितना आपका कि, किस किस चीज़ की कमी आई हमने जैसे मिट्टी की जांच करवाई अलग अलग खेतों की जांच अलग अलग हुई उनमें अलग अलग खेतों में अलग अलग पानी की वजह से या मिट्टी की वजह से मृदा की वजह से उसमें अलग अलग जाँचें आई जैसे किसी खेत में ये अक्षारिया ज़मीन है अक्षारिया ज़मीन है जिस खेत में उस खेत में हमने जैसे ये डाल इसको डालने ये डाला गया जिप्सम डाला गया और जैसे ही जिस खेत जिस खेत में आयरन की कमी थी उसमें आयरन डलवाया गया उससे जैसे हमारा ये उत्पादन भी बढ़ता है और मर्दा की तो आपने उससे लाभ लिया है हाँ बिल्कुल लिया है बड़ा है उत्पादन हमारा बढ़ा है किस चीज में उत्पादन बढ़ा है, है। गेहूँ में भी जिस जमीन जो जमीन अक्षारिय है उस जमीन में उसी हिसाब से जो सोयल हेल्थ कार्ड बनवाया था उसी हिसाब से हम दे रहे हैं डोज दे रहे हैं उसमें भी गेहूँ बढ़िया खड़ी है पिछले सालों से धन्यवाद जैसे ही किसान भाई ने बताया कि उन्होंने गेहूं में जब पहले तो उन्होंने सोयल हेल्थ कार्ड बनवाया कार्ड बनवाने के बाद जब उन्होंने उसको गेहूं में उस तरीके से जैसे कार्ड में आया कि भाई कितना उसके अंदर पोषक तत्व की कमी है जब उन्होंने उस पोषक तत्व की कमी पूरी करी तो उसमें गेहूं में उन्होंने लाभ लिया हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं आइए जानते हैं है। जी बिल्कुल बनवा बिल्कुल लिया, सर। कौन सी फसल में लिया है मैंने उसे दो फसलों के अंदर मैंने हर छह महीने के रेगुलर टाइम के बाद में उसको करवाता रहता हूँ और उसके बाद जैसे मैंने पिछली फसल में अगर मैं बात करूँ तो मुझे बीस प्रतिशत के आसपास उसका लाभ मिला है मुझे धान की फसल में और गेहूँ में मुझे दस से बारह परसेंट का मुझे बेनिफिट मिला था बहुत अच्छा बताया किसान भाई ने उन्होंने जो धान की जो उन्होंने फसल ली थी तो उसमें 20 परसेंट का फायदा हुआ था और गेहूं में उनको 10 प्रतिशत का हुआ था हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं आइए जानते हैं कि सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाने के बाद कितना लाभ ले रहे हैं मैंने अपने खेत की मतलब एक हिस्से की जो है मतलब लगभग दो से तीन कनाल जमीन होगी उसकी जांच मैंने यहाँ कृषि विज्ञान के अंदर रोहतक में करवाई और उसके बाद ये मतलब गेहूं की कटाई के बाद की बात है जिस खेत में बिल्कुल ये था कि यहाँ आप मतलब जवार बो सकते हो या बाजरा बो सकते हो उस खेत में मैंने मेरे को जैसे जिंक की कमी बताई गई तो मैंने जिंक की उसमें पूरा प्रबंध किया और हिसाब से उसको विजय किया और उसमें मैंने धान की फसल ली है और बहुत अच्छी ली है और अब गेहूँ भी हैं जबकि मैंने उसमें यूरिया वगैरह कुछ नहीं डाला है सिर्फ वही जो धान के समय में डाला खाद डाले थे उसके बाद मैंने कुछ नहीं डाला और आज भी मतलब बहुत अच्छी फसल है देखने में भी जबकि आस पड़ोस में यह कहते थे कि भाई इसमें तो धान तो तुम बोल तो लिए लेकिन हो गए नहीं और उसमें मैंने अच्छी मतलब मैं कह सकता हूँ कि लाइफ में पहली बार उस ज़मीन में दान हुए हैं और बिल्कुल मतलब ऐसी मिट्टी थी कि उसमें कुछ हो नहीं सकता था लाभ लिया बिल्कुल लाभ लिया है हंड्रेड चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुना मेरी सौतन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं अच्छा ये बात है हाँ, अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है ऐसा क्या हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है ये देखो आ गया अरे इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है कृषि <laughs> संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर सूखा हो या बे मौसम की बरखा हो अब हर किसान लाभ उठाए एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुनारिया कला की चौपाल चर्चा में हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं जैसे कि वो मिट्टी की जांच करते हैं तो उनको कौन कौन से पोषक तत्व कमी नजर आती है आइए जानते हैं देखिए कोई भी पोषक तत्व की अगर हम डिवाइड करते हैं तो तीन भाग में करते हैं हम एक सबसे हायर ज़्यादा हो एक बीच में हो और एक न्यूनतम सबसे कम हो वो हमारी जमीन में जब हम जांच करते हैं तो हम माइक्रोन्यूट्रियट मै लेते हैं जो मेनली पोषक तत्व हैं किसी भी फसल के लिए जो ज़रूरी हैं वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश हैं तो अगर हम रोहतक की बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन है वो कम हो चुका है काफ़ी कमी आ रही है हमारी ज़मीन में फोस्फोरस है वो अभी किसी मिट्टी में मध्यम वर्ग में आता है किसी में लो में आता है और पोटाश है वो अभी भरपूर मात्रा में है तो पोटाश की कमी कहीं कहीं हमें दिखती है ज़्यादा पोटाश की कमी नहीं है रोहतक में फिर अगर हम माइक्रोन्यूट्रियट की बात करते हैं तो उसमें जिंक की कमी सबसे ज़्यादा आ गई है जिंक हम गेहूं में भी डालने लगे हैं और धान में भी कुछ हमारी ब्लैंक रिकमेंडेशन है अगर मिट्टी चेक भी नहीं करवाता फार्मर तो ब्लैंक रिकमेंडेशन भी है बाकी जो मिट्टी के आधार पे हम चेक करते हैं उसमें बताते हैं कितना जिंक फार्मर को डालना है उसके बाद आयरन की कमी भी धान में देखी गई है तो आयरन की कमी भी आ जाती है जिन खेतों में हम धान लगाते हैं उस मिट्टी में कई बार आयरन की कमी भी पाई गई है तो जैसे कि मैम एक बार मिट्टी की जाँच हो गई तो उसके बाद कितने समय बाद किसान भाइयों को उसकी मिट्टी की जाँच के लिए दोबारा आना पड़ेगा हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो जनरली किसान नहीं करता है और वो करना चाहिए उसमें क्या है कि आपने इस साल सबसे बढ़िया टाइम है एक तो जांच का मैं बता दूं क्योंकि हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो इस तरह से है पहले हमने धान लिया फिर लगातार गेहूं हम हमारे पास खेत की तैयारी करने का भी टाइम नहीं होता तो उस बीच में जांच करवाना थोड़ा सा किसान के लिए मुश्किल है तो सबसे बढ़िया टाइम है वो गेहूँ की कटाई के तुरंत बाद अप्रैल और मही मई मही का महीना है ये सबसे बेस्ट है इसमें किसान अपना नमूना लेके आए अगले साल फिर उसी समय लेके आए नमूना जो किसान भाई हैं जैसे कि वो मिट्टी की तो जांच करा लेते हैं पर उसको जब वो पोषक तत्व तो देने का समय आता है तो कई बार कोई पोषक तत्व तो वो कम डाल देते हैं कई बार वो ज़्यादा डाल देते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि भाई वो जो कार्ड बना है कि उसको इतनी ही मात्रा में देनी है तो किस प्रकार से वो वो मात्रा का जो आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं बिल्कुल वो हम लोग बताते हैं जो जैसे हम चेक करवाते हैं मिट्टी तो जब भी फार्मर अपनी रिपोर्ट लेने आता है तो हम उनको एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं जैसे नाइट्रोजन के लिए हम डी और यूरिया डलवाते हैं तो वैसे तो किसान ने ऐसे कर रखा है जैसे धान में दो कट्टे या तीन कट्टे डालने हैं डालने हैं जैसे गेहूँ में डालने हैं दो कट्टे तो डालेगा तो उस जो रिपोर्ट के आधार पर जितना नाइट्रोजन आता है उस आधार पे हम उसको बताते हैं आपको एक कट्टा डालना है आपको दो कट्टे डालने हैं आपको डेढ़ कट्टा डालना है उस हिसाब से हम फार्मर को सारी रिपोर्ट का बताते हैं कि आपको क्या क्या डालना है अपनी मिट्टी में जैसे कि विशेषज्ञ ने बताया कि जो किसान भाई हैं वो इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही अगर वो अपने पोषक तत्व को डालेंगे तो उससे अच्छा लाभ ले सकते हैं और कहने का मतलब यह कि सोइल हेल्थ कार्ड तो आपने बना लिया पर आपको अब ये पता कैसे चलेगा कि उसमें कितना पोषक तत्व डालना है किस आधार पर डालना है तो कृषि विज्ञान केंद्र में जब आप जाएंगे तो हमारे विशेषज्ञ जो हैं वो आपको बताएंगे किस प्रकार से कितनी मात्रा में आपको आपका जो सॉइल हेल्थ कार्ड बना है उससे आपको पोषक तत्व डालने हैं हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं हम उनसे जानते हैं किस तरीके से वो सॉइल हेल्थ कार्ड से लाभ ले रहे हैं ये जी मिट्टी के नमूने लेकर के हमने कृषि विज्ञान केंद्र में भेजे थे और उनसे जो रिपोर्ट बन के सुल हेल्थ कार्ड के रूप में मेरे पास आई थी तो आपने जो मिट्टी का नमूना लिया था किस प्रकार से लिया था मैं एकड़ एक एक का जिम्मेदार हूँ और मैंने उसके चार कोणों से जो है ना चार और एक से चार नमूने लिए थे और एक नमूना उसके बीच से लिया था उन सारे नमूनों को मिला करके एक नमूना बनाया गया था और उस नमूने को मैंने कृषि विज्ञान केंद्र भेजा था और उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो है कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मेरे को जो सलाह दी उसके अनुसार मैंने उसमें न्यूट्रिएंट्स डाले और मेरे को उसमें फ़ायदा हुआ तो आपने जो न्यूट्रिएंट्स जो डाले हैं वो किस प्रकार से डाले आपने ये खाद के रूप में बाज़ार से मिलते हैं और मेरे पास अपना ऑर्गेनिक खाद का अपना भी खाद में तैयार करता हूँ जैसे ही किसान भाई ने बताया कि उन्होंने सोयल हेल्थ कार्ड बनाया हेल्थ बनाने के बाद उन्होंने वो पोषक तत्व डाले हैं जो उनकी मिट्टी में ज़रूरत थी तो कहने का मतलब ये है जब वो किसी कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े जुड़ने के बाद उनको सोयल हेल्थ कार्ड का पता चला और पता चलने के बाद जब उन्होंने बनवाया तो उससे लाभ लिया हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं जो सवाल करना चाहते हैं आइए जानते हैं जो जमीन है उसमें मिट्टी ऊपर सफ़ेद हो जाती है वो सफ़ेद मिट्टी ख़त्म करने के लिए उसमें क्या क्या तो तो जो भी कुछ अपने ये डालने चाहिए उसका क्या समाधान है जैसे ही किसान भाई ने बताया कि उनकी जो मिट्टी है उसके जो ऊपर की जो परत है वो सफेद सफेद नजर आ रही है तो किसान भाई ये जानना चाह रहे हैं कि मेरी जो मिट्टी है उसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है जो मिट्टी का जो ऊपर का जो जो पार्ट है वो सफेद हो रहा है तो आइए जानते हैं विशेषज्ञ से देखिए ये किसी पोषक तत्व की कमी नहीं है ज़मीन में नमक हो गया है रेई हो गई है सबसे पहले तो वो चेक करवाए मिट्टी को क्योंकि उसी हिसाब से पता लगेगा उसमें कितना हमें जो भी हम उसमें केमिकल या जो भी हम उसके अंदर डालेंगे उसके उपचार के लिए वो कितना अमाउंट डालना है उसका वैसे इसके लिए जब रेई हो जाती है ज़मीन में तो उसमें ढेंचा जंतर आता है उसकी बिजाई कर सकता है किसान और खेत में ही उसको बा सकता है मैं थोड़ा सा बता दूं जो जंतर है ये अप्रैल के महीने में इसको फार्मर लगाता है गेहूं की कटाई के बाद और 55 दिन पे फूल आने से पहले खेत में ही उसको बा देता है प्लोइंग कर देता है खेत में मिला देता है जिससे कि जो उसकी रेई है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है बाकी इसके अंदर हम जिप्सम डालते हैं जिस ज़मीन में रे हो जाता है पर वो जो उसका अमाउंट है वो चेक करने के बाद पता लगता है तो मैं किसान भाई को कहना चाहूँगी कि वो अपनी मिट्टी को चेक करवाए उसके बाद उसमें हम जिप्सम की रिकमेंडेशन देंगे सुनारिय कला की चौपाल चर्चा से वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ क्या बात है भाई आजकल तो काफी कुछ नजर आ रहे हो क्यों ना हो अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है ऑर्गेनिक है इसमें हमारे खेत हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है जी हाँ आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य एक पाँच पाँच एक आरोप कॉल करें और लॉग ऑन करें किसान डॉट जी डॉट इन और फार्मा डॉट जी डॉट इन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी किसान भाइयों घाट बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर रास को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉयल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी तो मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बना लो मिट्टी की सेहत तो जानो बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की किसान भाइयों घाट बांध लो आज ही मिट्टी की जांच कराएं राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सोयल हेल्थ कार्ड पाएं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुनारिया कला की चौपाल चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं सोयल हेल्थ कार्ड के बारे में तो आज हम जो बात कर रहे हैं उस हेल्थ कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं जो सवाल करना चाहते हैं आइए जानते हैं मेरा सवाल है जिस खेत में खारा पानी है उसमें क्या फसल बोई जाए किसान भाई का सवाल है कि जिस खेत में खारा पानी है उसमें वो कौन सी फसल ले सकते हैं हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के, के विशेषज्ञ मौजूद हैं आइए जानते फिर से मैं कहूंगी कि वो अपना चेक करवाएं पानी उस हिसाब से सजेशन आएंगे पर जिस हिसाब से वो कह रहे हैं उसमें मैं कुछ ऑप्शन बता दे देती हूँ कि वो क्या क्या कर सकते हैं पर वो अपना सैंपल जरूर चेक करवाएं उसके हिसाब से जो एग्जैक्ट रिकमेंडेशन है वो आएंगी तो एक तो अगर खारा पानी है अगर आप गेहूं ही ले रहे हो जो रूटीन की हमारी ये जो फील्ड क्रॉप्स हैं ये ले रहे हैं तो अगर खारा पानी है तो पहला जो पानी देता है किसान पलेवा लगाता है वो उस खारे पानी का ना लगाएं क्योंकि उससे जमाव में दिक्कत होती है दूसरा जो वैरायटी जो खारे पानी से रोधित हैं जो खारे पानी में हो जाती हैं तो कुछ हमारा जो सेंट्रल सोयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल है वहाँ की कुछ निकाली हुई वेराइटी हैं किस्में हैं के आर एल दो सौ दस के आर एल दो सौ तेरह तो वो किसमें वो उस ज़मीन में ले सकते हैं जहाँ उनका खारा पानी लग रहा है पर सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है कि उस पानी को वो चेक करवाएं क्योंकि वो भी एक लिमिट में काम करती हैं ऐसे नहीं है कि पानी बिल्कुल खराब है तो वो वैरायटी है वो कुछ पैदावार नहीं भी दे के जा सकती है, अगर बिल्कुल ख़राब पानी है एक और सजेशन है अगर बिल्कुल खराब पानी है तो मछली पालन भी एक अच्छा उपाय है हरियाणा में मछली पालन काफ़ी ज़्यादा होता है इवन हरियाणवी लोग मछली खाते नहीं हैं पर जो मछली का पैदावार है वो यहाँ काफ़ी है तो ये ऑप्शन हैं फार्मर के पास तो कहने का मतलब किसान भाई इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आ, करेंगे खेती तो बहुत लाभ ले सकते हैं मुझे आपसे ये पूछना जी कि सोल्थ कार्ड कैसे बनवाएं कहाँ से बनवाएं क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे किसान भाई ने सवाल किया है कि उनको सोइल हेल्थ कार्ड बनाना है उन्होंने सोयल हेल्थ कार्ड अब तक नहीं बनाया तो किस तरीके से वो सोइल हेल्थ कार्ड बना सकते हैं अगर रोहतक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र रोहतक है दूसरा जो हमारा कृषि विभाग है दोनों साथ साथ में ही है दोनों जगह पे सोयल टेस्टिंग लैब है वहाँ पे इनका जो मिट्टी का नमूना है वो चेक किया जा सकता है उसके लिए थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से सैंपल लिया जाए क्योंकि सबसे जो ज़रूरी बात है वो नमूना लेना कैसे है फार्मर को जर्नली वो क्या होता है कि खेत में जाता है और एक कागज़ में मिट्टी डाल के ले आता है तो वो उसकी एग्जैक्ट जो उसके पोषक तत्व या जो भी पैरामीटर्स चेक करते हैं वो नहीं आते तो उसके लिए उसे अपने खेत की पांच जगह चूज़ करनी पड़ेंगी चारों कोनों कोने बिल्कुल नीले ने साइड से एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो फुट जगह छोड़ दें चारों कोनों में फिर चारों कोनों से ले और बीच से ले एक सैंपल दो तीन बातें ध्यान रखनी है जहाँ पे छाया हो पेड़ हो उसके नीचे से सैंपल नहीं लेना जहाँ गड्ढा हो पानी वगैरह भरता हो वहाँ से सैंपल नहीं लेना जहाँ खाद ज़्यादा गिर रखी हो कई बार जैसे कुर्डी की खाद डालते हैं हम तो वो ढेरी लगाते हैं तो जहाँ ढेरी गिरी हुई हो वहाँ से सैंपल आपको नहीं लेना फिर जो पाँच जगह से उन्होंने छः इंच का सैंपल लेना है छः इंच मतलब पंद्रह सेंटीमीटर सैंपल उनको लेना है क्योंकि हमारी जो ये फील्ड क्रॉप्स होती हैं उनकी जड़ें छः इंच में ही आती हैं तो वो अपना सैंपल इस तरह से ले आए और उसमें एक और है कि जनरली सैंपल ले आता है उसमें अपनी जानकारी नहीं डालते तो उसमें अपना नाम पिता का नाम गांव का नाम और कौन से खेत की मान लो दो तीन खेत की सैंपल ला रहे हैं तो एक दो तीन ऐसे करके उसमें स्लिप डाल के लेके आए दूसरा बागवानी का है वो अलग से सैंपल लिए जाते हैं तो जो फील्ड क्रॉप्स के हैं वो सैंपल सिर्फ छः इंच के लेने हैं अगर आपको सोयल हेल्थ कार्ड बनाना है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तो आपको मिट्टी अपने खेत से खुद लानी पड़ेगी जांच कराने के लिए और अगर आपको कृषि विभाग के द्वारा कराना है तो कृषि विभाग वाले आपके खेत पे आएंगे सैंपल लेंगे तब उसकी जांच करा के आपको देंगे हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं आइए जानते हैं क्या सवाल करना चाहती हैं और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी खेत की जो उपजाऊ शक्ति है बहुत कम होती जा रही है उसके लिए क्या करना चाहिए किसान बहन ने सवाल किया है कि उनकी जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती जा रही है तो वो ये पूछना चाह रहे हैं किस तरीके से वो अपनी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं देखिए इसके कई तरीके हैं उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारा जो फसल चक्र है वो गेहूं धान का है अगर रोहतक की बात लें और सारे अधिकतर गांव की बात लें तो धान और गेहूं का फसल चक्र है तो एक तो उसके बीच में जो छोटी हमारी मूंग की फसल है सिर्फ दो महीने की है तो धान और गेहूँ के बीच में हम मूँग की फसल ले सकते हैं गेहूं की कटाई के तुरंत बाद 15 अप्रैल के आसपास तक 1 अप्रैल से 15 अप्रैल पर 1 अप्रैल थोड़ा सा खेत खाली नहीं होता किसान का तो 15 अप्रैल के आसपास वो मूंग की बिजाई कर सकता है और जब बारिश आती है उससे पहले उसके पोड हैं वो तोड़ के बाकी खेत के अंदर बाधे उसको सारे को जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है दो हज़ार बाईस तक किसानों के तो उसके बारे में आपका क्या कहना है उसमें देखिए एक होता है समन्वित करना किसी भी चीज़ का जो भी हम खेती कर रहे हैं या हम कोई बाग लगा रहे हैं पशुपालन कर रहे हैं उसको इकट्ठा करके इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं जिसके अंदर हमारे सारे जितने भी साइंस हैं एग्रीकल्चर साइंसेस जितने भी हैं एनिमल साइंसेस जितने भी हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं उसको इकट्ठा करके करें तो वो पॉसिबल है तो कहने का मतलब ये है किसान भाई अगर आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे तो आपकी जो आय है वो दोगुनी हो सकती है आज के सुनारिया कला की चौपाल चर्चा से बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार